Assalamu alaikum and welcome to the fourth video of grade 10 physics. I am your physics teacher from honors, kindergarten, and secondary school. And today we are going to start our lecture number 4, in which our topics are refraction through prism, lenses, types of lenses, image formation by lenses, application of lenses, simple and compound microscope, and telescope and application of telescope. We are at chapter number 12, geometrical optics. At the end of this video, students will be able to learn about How refraction is produced through prism? What is lenses? What are its type? What is power of lens? How image is formed by lenses? What are the application of lenses? What is simple and compound microscope? What is telescope and how its work? What are the defects of vision? We will first discuss refraction through prism. Prism basically a transparent object which कंसिट्स करता है जिसमें हमारे कम अज़ कम टू जो पॉलिश प्लेन फेसिस हैं वो होना ज़रूरी है आपको यहाँ पे जो प्रिज्म है उसकी फिगर भी शो हो रही है ठीक है इट इज़ अ प्रिज्म अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं क्योंकि इसमें जो हम जब ऑपोजिट साइड पे अपना रिजल्ट देखते हैं अपनी जब लाइंस ड्रा करते हैं तो जब हम अपनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी लाइट पास करवाते हैं इसकी एक साइड से तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी जो इमेज बनता है हमने उसको नोट डाउन करना होता है और वो इमेज जो है हमने उसको देखना होता है कि वो इमेज कैसा बन रहा है तो प्रिज्म क्या है ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है विद एट लीस्ट टू पॉलिश प्लेन फेसिस इसके टू जो प्लेन सर्फेसिज मतलब पॉलिश होती हैं जो इसकी लेफ्ट और राइट साइड है वो इसकी प्लेन पॉलिश होनी चाहिए और टूवर्ड्स ईचर फ्रॉम विच लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड यहाँ से हमारी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर आगे की तरफ जाएगी अब होता कि हम जब इस प्रिजम को यूज़ करते हैं तो हमारे पास हम जब अपनी नीडल्स या फिर अपनी लाइट जब एक साइड से पास करवाते हैं ठीक है जहाँ से हम लाइट पास करवाएंगे तो जहाँ से जो सेंटर से अब इसके लाइट पास होगी तो इसके जिस तरह हमने एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन की बात की थी जो हमारा रिफ्लेक्शन का या रिफ्लैक्शन का एंगल बनेगा तो वो जो एंगल होगा वो इसके ऑपोजिट साइड पर इधर बनेगा ठीक है तो हमारा जो यहाँ से पासिंग जो लाइट होगी उसके प्रपोर्शनल हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो क्या बन रहा है ठीक है अब जहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक लाइट जहाँ से पास की जब प्रिज्म के सेंटर से वो पास करेगी तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी डायरेक्शन जे वाली होगी इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो यहाँ पे सेम है ठीक है और हम इसके ऑपोजिट साइड जैसे ये हमारी जो रिफ्लेक्शन की लाइट रे ऑफ लाइट बनी है तो इसके हम डोटेड लाइन से यहाँ पे इसको ऑपोजिट पे शो करेंगे इसी तरह जो हमारी यहाँ पे लाइट है जब हमने इंसिडेंट एंगल को शो किया है तो इसको भी हम डोटेड लाइन से शो करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हम दोनों के जो हैं जब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इनकी डोटेड लाइन भी शो कर लेंगे तो हम अपने रिफ्लेक्टेड एंगल बताएंगे कि हमारा जो एंगल है वो कितना बन रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारा जो पॉइंट है वो है P P से लेके हम लोग Q तक जो है हमारा पहली लाइट है जब वो प्रिज्म से टकराने से पहले तक हमने एक पॉइंट ले लिया प्रिज्म से लेके R तक जो है हमारा वो प्रिज्म के सेंटर वाला पॉइंट है और R से S तक जो हम देखेंगे अपनी जब हमारी एंगल कौन सा मान रहा है हमारी साइड कौन सी रिफ्लेक्शन की आ रही है क्योंकि ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ जा रही है तो ये वाली जो रिफ्लेक्शन है हम इसको वह सेकेंड साइड पर नोट डाउन करेंगे जैसे जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब जहाँ से हमारी लाइट जो है मुख्तिस कलर्स की डिफरेंट कलर्स की आ रही है तो जहाँ पर आकर उसकी जो जेक्शन हम उसको अपोजिट साइड पर देखेंगे इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं टू पॉलिश प्लेन फेसिस उसके दो फेसिस होते हैं पॉलिश और प्लन होते हैं और वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं इंकलाइंड इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर और लाइट जो है वो आगे की तरफ रिफ्रैक्ट होती है तो प्रिज्म में यही होता है कि हम बेसिकली एक साइड से जब लाइट पास करते हैं प्रिज्म से टकराने के बाद हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि उसका एंगल कितना बन रहा है और वो रिफ्लेक्ट कितनी ज़्यादा हो रही है तो हम फिर इसको डिनोट करते हैं इसके डोटेड लाइन से और सिंपल लाइन से नाउ वी विल डिस्कस वाट आर लेंजेस लेंजेज क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं और इनकी हम कैसे फॉर्म ये कैसे बनते हैं लेंस इज एनी है ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सर्विस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज इस्व लेंस बेसिकली क्या होता है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ट्रांसपेरेंट का मीन क्या है कि जिसके ऑपोजिट साइड पे हमें नजर आ रहा होता है ट्रांसपेरेंट है मीन ऑपोजिट साइड पे हम देख सकते हैं ठीक है ये मटेरियल है ट्रांसपेरेंट ठीक है लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसकी एक सरफेस surface, दो सरफेस इसके होते हैं उसमें से वन सरफेस जो है वो कर्व्ड होती है यहाँ पे आप फिगर पर देख रहे हैं कि इसकी दो सरफेस सर्फेस एक ये और एक इस साइड पे इसी तरह यहाँ पे भी थर्ड फिगर में भी और फोर्थ फिगर में भी लेकिन इसकी एक जो साइड है फोर की फोर फिगर्स में वो कर्व्ड है मिनिमम एक फिगर जो है एक जो साइड है फिगर में वो हमारी कर्व्ड होनी चाहिए मतलब थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए मुड़ी होनी चाहिए तो जब भी हम लेंस की बात करेंगे तो इसमें टू साइड में से एक साइड जो है जो एक सरफेस है वो कव्ड होगी तो हम कहेंगे कि इट इज़ कार्ड लेंस इसमें एक साइड कव्ड है लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों साइडें ही कर्व हैं जहाँ से एक कर्व जहाँ पे आ रही है और एक कर्व यहाँ पर आ रही है इसमें भी हमारी एक कर्व है और इसमें दोनों कर्व है तो हमारी कन्केव और कन्वैक्स जो है जिस तरह हम अपने, अपने मिरर्स देखते हैं तो उसी तरह हमारी इसमें जो फिगर्स है उसमें डिफरेंस है लेकिन लेंस में क्या है कि हमारी एक ना एक साइड मिनिमम कर्व सर्फेस होती है तो लेंस यूज़ कहाँ पे होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस में जैसे कि कैमराज आई ग्लासेस टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर्स हम इसमें लेंसेज को यूज़ करके अपना रिजल्ट देखते हैं जैसे हम लोग कैमराज में आई जो आई ग्लासेज जो हमारी आईज हैं उनके जो ग्लासेस हम यूज़ करते हैं उसमें लेंस लगते हैं ठीक है लेंस क्या करते हैं हमें नज़दीक या दूर का रिजल्ट देते हैं टेलीस्कोप में हम लोग आगे डील करें उसको डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप को क्या होता है और प्रोजेक्टर्स ये जो हमारी स्लाइड्स हमें नज़र आती हैं बड़ी बड़ी जब हम देखते हैं प्रोजेक्टर्स पे जब हमारा इमेज बड़ा बन जाता है तो उसमें भी हम लेंस के थ्रू उसका जो फोकस है वो ज़्यादा करते हैं तो लेंस क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल है जिसकी मिनिमम एक साइड जो है वो कव्ड होगी और ये दो साइडों पे कंसिडर कर रहे होता है नाउ टाइप्स ऑफ लेंसिस लेंजिस की कितनी टाइप्स हैं दो नंबर वन इज कन्वर्जिंग लेंस अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है वो लेंस जो कॉज करता है इंसिडेंट पैरल रे को टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट कन्वर्ज का मीन क्या होता है कि एक पॉइंट पे क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए आके मिल जाए अब यहाँ पे आप देखें जब लाइट यहाँ से पास कर रही थी एक लेंस आगे पड़ा हुआ है ठीक है अब लेंस की शेप कैसी होती है कन्वर्जिंग की ये वाली ठीक है जब जहाँ से हमारी लाइट पास करेगी तो ये सारी जो रे ऑफ लाइट है इनकी डायरेक्शन जो है जो इनका पाथ है वो डिफरेंट है लेकिन हुआ क्या कन्वर्ज होने के बाद ये एक पॉइंट पे आके सारी जो रे ऑफ लाइट है वो मिल गई हैं जब एक पॉइंट पे आके सारी रे ऑफ लाइट मिलती हैं तो हम उस लेंस को क्या कहते हैं इट इज़ कार्ड कन्वर्जिंग लेंस जब हम सेकंड डाइवर्जन की डाइवर्जिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारी जो पैरल रे ऑफ लाइट है जब यहाँ से पास करेंगी तो वो 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 हो जाएंगी डाइवर्ज का मीन क्या है कि मुख्तलिफ जगहों पे फैल जाएंगी जहाँ पे आप इसे देखें इसकी डायरेक्शन क्या लेंस की इसकी डायरेक्शन इस तरह की है शेप इसकी ये वाली है और हमारी लाइट जो है रे ऑफ लाइट जब यहाँ से आएगी तो वो फैल जाएगी मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक पॉइंट पे आके नहीं मिलेगी तो डिफरेंस क्या दोनों में कन्वर्जिंग में क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट लेंस से पास करती है तो इसमें हम यूज़ कौन सा लेंस करते हैं कन्वेक्स लेंस और इसमें हम लोग कनकेव लेंस यूज़ करते हैं ठीक है तो कन्वर्जिंग में हम लोग जब ऑफ लाइट पास करती है तो इसमें एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज होती है और जब डाइवर्जिंग की बात करते हैं कन्वे कन्केव लेंस यूज़ करते हैं तो हमारी जो ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज होती है मुख्तु पॉइंट्स पर जाके मिलती है नाउ वी विल डिस्कस लेंस टर्मिनोलॉजी जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी अपने लास्ट लेक्चर uh, में भी जो है हमने डिस्कस uh, की थी मुख्तलिफ जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी उसी तरह हमारी जब लेंस की भी बेसिक डेफिनेशन है जिसको हमने देखना है कि वो क्या क्या होती हैं और वो कैसे कैसे फॉर्म होती हैं सबसे पहली डेफिनेशन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है द लाइन पासिस थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस वो लाइन जो दो कर्वेचर ऑफ लेंस से पास करे उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या कर रही है कि दो कर्वेचर दो पॉइंट के बीच में से पास कर ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका कौन सा पॉइंट है जो दो दोचर ऑफ लेंस से पास करे ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट सेंटर ऑफ लेंस जो लेंस के सेंटर में एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है लेकिन लेंस के सेंटर में उसको हम क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर नंबर थ्री प्रिंसिपल फोकस फोकस क्या है द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्टेड मीट एट अ अन अ प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती है कहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ये वाली सी और जहाँ पे आके ये पॉइंट मिला है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे सारी रे ऑफ लाइट मिल रही है ये वाली लाइट भी ये वाली लाइट भी नीचे से भी और ये वाली लाइट और सेंटर वाली लाइन भी जो आप एक पॉइंट पर आके मिल गई हैं तो हमारा वो पॉइंट कौन सा है प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे सारे पॉइंट आके मिलते हैं और फोकल लेंथ क्या होती है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का जो हमारा डिफरेंस है जो हमारा डिस्टेंस है फासला है उसको हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ तो ये हमारी चार टर्मिनोलॉजी थी जिनको हमने डील किया ठीक है और इनको हम लोगों ने क्या डील किया कि एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है उसके बाद सेंटर जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है फिर जहाँ पे हमारी सारी रे ऑफ लाइट आके मिलती है वो प्रिंसिपल फोकस है और फोकल लेंथ क्या है ये हमारा डिस्टेंस है बिटवीन फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक हमारा डिस्टेंस क्या है फोकल लेंथ नाउ विल डिस्कस पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं फोकल लेंथ को जब हम ओपोजिट मीन्स वन ओवर फोकल लेंथ इन मीटर हम फोकल लेंथ को वन पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो किस में आ जाएगा पावर ऑफ अ लेंस पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू वन ओवर फोकल लेंथ इन मीटर लेकिन हमने फोकल लेंथ को किस यूनिट में लेना है मीटर में तो पावर ऑफ लेंथ क्या है कि वन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर मीटर में फोकल लेंथ को जब वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी पावर ऑफ आ लेंथ और इसका यूनिट क्या है डाइप्टर एंड इज नोटेड डी हम इसको डिनोट कैसे करते हैं डी से डाइप्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं डी से और पावर ऑफ लेंथ क्या है कि रेसिप्रोकल है किसका फोकल लेंथ इन मीटर नाउ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वैक्स एंड कन्वेव कनकेव लेंस अब हमने देखना है कि हमारी जो इमेज बनती है कन्वैक्स और कन्केव लेंस में वो कैसे बनती है ठीक है अब सबसे पहले हमारे पास तीन रेज हैं जो हमारी यहाँ से हमने डिनोट की है कि रेज जो है वो किस किस तरह आ रही हैं और कहाँ कहाँ से पास कर रही हैं और उनका डायरेक्शन क्या क्या बनता है ठीक है तो अब हमने देखना है कि हमारी रे वन रे टू और रे थ्री जब आएगी तो उनका डायरेक्शन जो है वो क्या बनता है तो जो हमारा तीन पॉइंट्स हैं इसके लिए वो वो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि दरे तु तु रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाय द लेंस जब हमारी रे ऑफ लाइट जहाँ से आ रही है और फोकल पॉइंट से टच करेगी तो वो क्या करेगी पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जब वो रिफ्लेक्ट कर देगी तो वो पैरालल बिल्कुल पैरल क्या करेगी मूव करेगी जिस तरह वो आ रही है वो उसी तरह मूव करेगी सेकेंड पॉइंट क्या है कि रे जो पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर से पास करती है वो क्या है वो लेंस से डाइवर्ज होती है अब जहाँ पे आपका फिगर में शोर है यहाँ से हमारी रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ से डाइवर्ट होकर इस पॉइंट पे आ जाएगी जब हम नीचे रे टू की बात करते हैं हमने उसको डिनोट किया नीचे से और वो स्ट्रेट पास कर रही है मतलब कि जैसे हमने जहाँ से वो आ रही थी और वो स्ट्रेट पास की है और एक और रे थ्री है वो जहाँ से आ रही फिर उसी तरफ जा रही है हमने तीन रेस ड्रा की हैं मुख्तलिफ कन्वैक्स और कन्केव लेंस में अब जब हम कन्वैक्स की बात करते हैं तो जब स्ट्रेट पहली रे आएगी तो वो जब ऊपर से बात करेगी तो वो पहली रे क्या करेगी इसकी डाइवर्ज इस तरफ आएगी दूसरी पर हम नीचे से पास करवाएंगे तो वो स्ट्रेट जाएगी और थर्ड क्या है कि वो स्ट्रेट जैसे आ रही वैसी जाएगी जब हम कनकेव भी आते हैं तो फर्स्ट रे जब जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो क्या करेगी ऊपर की तरफ डाइवर्ज होगी जहाँ पर क्या था कि नीचे की तरफ आ रही है कनवैक्स में और कनकेव में क्या है कि फर्स्ट रे ऊपर की तरफ जा रही है सेकेंड रे क्या है जब जहाँ से आ रही है तो इसको जाना जहाँ पर चाहिए लेकिन ये किस तरफ जा रही है स्ट्रेट और थर्ड रे क्या है ये हमारी क्या है स्ट्रेट जा रही है दोनों में जो थर्ड रे है वो स्ट्रेट जा रही है हालाँकि यहाँ पे जो है हमारी कन्वर्जन रेट टू की वो क्या होनी चाहिए ये वाली तो हमारी ये इमेज फॉर्मेशन होती है कि अब जब, जब हम देखते हैं कि हमारी कन्वैक्स और कनक्रेव में मिरर क्या इमेज क्या बन रहा है तो वो उसकी मुख्तलिफ जो है शेप्स वो इस तरह की बनती हैं अब जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जो जब हम इमेज की बात करते हैं अपने कन्वैक्स लेंस में ठीक है तो अब हमारा जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे हम डिपेंड करेंगे कि हमारा जो एफ़ और टू एफ दो हमारे पॉइंट्स हैं तो ये कैसे कैसे पड़े होंगे और कैसे कैसे हमारा इमेज जो है वो बना करेगा ठीक है अब ऑब्जेक्ट जब हमारा टू एफ़ पे पड़ा होगा तब हमारा इमेज कैसे बनेगा ये वाली शेप बनेगी ठीक है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे पड़ा होगा एफ़ वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमारा टू एफ़ पे था इधर हमारा एफ वाले पॉइंट पे था तो इमेज हमारा क्या जहाँ पे जब हमने टू एफ़ की बात जब हम टू एफ़ की बात करेंगे तो इमेज हमारा एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा लेकिन जब हम एफ़ की बात करेंगे तो इमेज हमारा अलग अलग होके डिफरेंट पाथ लेके आगे की तरफ मूव करेगा थर्ड पॉइंट क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो वो 2F है वो बियॉन्ड टू एफ है ठीक है बियॉन्ड टू एफ का मीन क्या है कि टू एफ से इस तरफ है तो फिर हमारा जो इमेज है वो जहाँ पे बी पॉइंट पे बनेगा और हमारे जो एंड पे आके जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्रॉस कर देंगी फोर्थ क्या है कि जब हमारा इमेज जो है वो एफ और टू एफ के दरमियान बनेगा एफ और टू एफ के दरमियान फिर क्या होगा कि हमारा जो जहाँ पे रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा कि हमारा जहाँ पे एफ थ्री पॉइंट जो है हमारा जो एफ पॉइंट है वो यहाँ पे आके मिलेगा ठीक है और एंड पे जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो एफ़ से भी डिनोट पड़ा है और टू एफ़ से भी ठीक है लेस देन एफ है तो हमारा इमेज जो है उसकी जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो बिल्कुल ही ऑपोजिट मतलब कि जहाँ पे करके बिल्कुल ही विचुअल इमेज बन जाएगा और हमें जो इमेज है वो यहाँ पे इस साइड पे आके शो होगा तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ एफ पे पड़ा है टू एफ पे है या टू एफ़ और एफ़ के सेंटर में है या फिर एफ़ से भी ओडा है फिर टू एफ़ से भी है जैसे जैसे हमारा इमेज हम आगे लेके आएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज का जो हमारा ऑब्जेक्ट हम आगे लाएंगे तो वैसे वैसे हमारा इमेज जो है उसमें शेप में फर्क आएगा और उसका जो रिजल्ट इमेज है वो डिफरेंट बनेगा नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस अब हमने लोग लेंजेस को डील कर लिया कि लेंस हमारे जो है वो आ, उसकी आ, डबल साइडेड शेप होती है और उसकी वन साइड जो है वो कर्व्ड होती है बस इसकी हमारी एप्लीकेशन है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैमरा अब कैमरा क्या होता है जिससे हम लोग पी कंपनी बनाते हैं उसके अंदर भी हमारा लेंस लगा होता है तो कैमरा जो है ये बेसिकली कर होता है लाइट प्रूफ बॉक्स पे इसके अंदर एक बॉक्स होता है ठीक है और इसके अंदर एक हम कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करते हैं ठीक है और इसके बैक पर जो है हम एक सेंसिटिव प्लेट लगाते हैं इसके बैक पर एक पेड लगी होती है हम यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस और ये कंसिट्स कह रहा होता है कि इस पर लाइट प्रूफ बॉक्स पे उसके बाद जो हमारा लेंस है जो इस पर बनता है वो हम फिल्म जो है हमारी फिल्म होती है जहाँ पे हमने इसको इसका जो हमारा रिज़ल्ट होता है हमने जो देखना होता है ये हमारा लेंस है तो जहाँ पे जो हमारा फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म है ये क्या शो करती है हमारा रिज़ल्ट हमें देती है हमारा जो रिज़ल्ट बनता है वो हमारा फिल्म पे आके बनता है ठीक है जब हम सिंपल लेंस कैमरे की बात करते हैं तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म जो है वो इक्वल होता है किसके फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जब हम बात करते हैं कैमरे की जैसा हमने लास्ट इमेज सारे देखे हैं तो कैमरे में हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है हमारा फोकल लेंथ और जो हमारा फोकल लेंथ के इक्वल होता है डिस्टेंस जो है और फिल्म का जो है वो डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एंड फिल्म इज फिक्स विच इज़ इक्वल टू द फोकल लेंथ जो हमारा डिस्टेंस है लेंस का और फिल्म का वो हमारा फोकल लेंथ के इक्वल होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग टू एफ़ के बी ऑन रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग बी ऑन जहाँ पर जो हमने ये फोर पॉइंट जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट एट बी ऑन टू एफ़ हम ऑब्जेक्ट को टू एफ़ से आगे की तरफ रखते हैं जब आगे रखेंगे तो हमारा कैमरे पर क्या हमें रिजल्ट शो होगा हमने क्या ढील है कैमरे में कि हमारे पास एक लेंस है ठीक है और हमने फिल्म पर हमारा जो हमें रिजल्ट शो होता है और कैमरे को हम लोग लाइट प्रूफ बॉक्स के ज़रिए यूज़ करते हैं और इसमें जो हमारे पास लेंस है वो हमें रिजल्ट देता है और हमारा जो डिस्टेंस है वो फोकल लाएंग, फोकल लेंथ के इक्वल होता है और ऑब्जेक्ट जो है उसको हम टू एफ के बियॉन्ड शो करते हैं जिससे हम लोग अपना रिजल्ट बाद में अच्छे तरीके से कैमरे में ले सकते हैं सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या है जो हम लोग प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम लोग स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखते हैं जहाँ पर स्क्रीन पर रिजल्ट शो होता है इसके लिए हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर यूज़ करते हैं कनकेव मिरर से लाइट जब पास करती है तो ये हमारा लाइट सोर्स है हमने कनकेव मिरर यूज़ किया कन ग से लाइट पास होने के बाद कंडेंस हम लोगों ने कंडेंसर यूज किए होते हैं वो लाइट को आगे भेजते हैं यहाँ पे हम लोग एक स्लाइड यूज़ करते हैं स्लाइड क्या करती है जब आगे भेजती है तो प्रोजेक्टर लेंस हमने यहाँ पे एक लेंस लगाया होता है ठीक है यहाँ पे हमने लेंस लगाया है टू कन्वर्जिंग लेंस हमने यूज़ किए होते हैं यहाँ पर ठीक है हमने लेंस लगाया यहाँ पर और लेंस के जरिए हमारा जो बात है जो यहाँ से लेंस क्या करता है इस इमेज को हमें स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाता है ये हमने लेंस वो वाला यूज किया जिसके जरिए हमें जो रिजल्ट है वो हमें बड़ा इमेज शो होता है जिस इसी तरह इसीलिए हम लोग जो है फ्लाइट प्रोजेक्टर पे इमेज को लॉन्ग स्क्रीन में देख सकते हैं इसलिए हमें फ्लाइट प्रोजेक्टर में हमें जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बड़ा नज़र आता हमने क्या यूज़ किया हमने कनकेव लेंस यूज़ किया है कनकेव मिरर को मिरर कनकेव जब यूज़ किया तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो रिज़ल्ट है हमें एंड पे आके स्क्रीन पर बड़ा शो हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने जब लेंस ये वाला यूज़ किया है ठीक है और जहाँ पर हमने कंडेंसर यूज़ किया जो हमारे कंडेंसर लेंजेज हैं जिसकी एक साइड कर्वड है और सेकंड सेकेंड स्टेट और इसके जरिए हमने आगे जब पास किया तो हमारा इस लेंस से जब प्रोजेक्टेड लेंस से पास करेगा हमारी लाइट पास करेगी तो हमें यहाँ पे वो लार्ज नजर आएगी नाउ वी विल डिस्कस सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बेसिकली एक कन्वेक्स इसमें भी हम लोग एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जो प्रोड्यूस करता है मैग्नीफाइंग ग्लास ये कंसिप्स कर होता है एक लाइट पे जहाँ पे हमारी लाइट पार्ट जो होती है ठीक है इसकी बॉडी है इसका आई पीस है जहाँ से हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है जहाँ से हमने अपना ऑब्जेक्ट देखना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे जो इसकी बेस साइड होती है और जो उसकी नोस पीस होती है अब हम क्या करते हैं हम लोग अपना ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखते हैं और अपना सिंपल अपनी आई जहाँ से अपने आई से देख के हम लोग ऑब्जेक्ट की देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है लॉन्ग बन रही है या फिर शॉर्ट बन रही है तो हम जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट तो को नियर करेंगे ठीक है उतना ही हमें हम ऑपरेट करते हैं और हमें विचुअल और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो क्लियरली ट्वेंटी फ़ाइव सेंटीमीटर तक इस पर नॉर्मल आई से हमें शो होती है हम जब आँख से देखते हैं तो हमें इस पर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तक सिंपल इमेज जो है वो हमें शो होती है लेकिन जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि इट इसके सबसे पहली बात यह कि इसमें जो हमारी लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस दो लगे होते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट एंड आई पीस और ये जूस किस लिए होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्माल ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को जब बहुत छोटे सब्जेक्ट्स की बात हम करते हैं तो हम उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं हम उसी तरह यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमने देखना है और हम जब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट और उसका रिजल्ट हमें बहुत क्लियर चाहिए होता है तो हम उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं इसके फीचर्स क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन दैन सिंगल लेंस जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की थी तो वहाँ पर हम सिंगल लेंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हाई नहीं मिलती लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें क्या है कि ग्रेटर मैग्नीफिकेशन हम हमें मिल सकती है सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंथ जो है वो शॉर्ट फोकल लेंथ उसकी जो लेंथ है वो फोकल लेंथ कितनी होती है लेस देन वन सेंटीमीटर और जो आई पीस है उसका फोकल लेंथ कितना होता है फ्यू सेंटीमीटर तो हमें फोकल लेंथ वाला जो पॉइंट है वो फ्यू सेंटीमीटर और लेस देन वन सेंटीमीटर होता है हमारे ऑब्जेक्ट लेंथ तो इस वजह से हमें क्या होता है कि हमें इस पर जो ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नजर आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करने की रीजन भी यही होती है कि इस पर हम लोग जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर क्लियर करके आई पी एस के जरिए ऑब्जेक्ट्स के जरिए हम यूज़ करके अच्छे तरीके से इसको इसका जो रिजल्ट इमेज है वो देख सकते हैं मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इसी तरह हमने जब ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जब हमारी रे ऑफ लाइट पास करती है तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जहाँ से हमारी आई जो है वो इसको देख रही होती है ठीक है जहाँ से हमारा जो विचुअल इमेज क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जब आपने यहाँ पर रख दिया उसका साइज ये है लेकिन लेंस जो क्या करता है कि उस इमेज को क्या करता है बड़ा करता है जहाँ पे इमेज बन रहा है और ये इमेज जहाँ पे जाएगा इस तरफ और उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा बड़ा साइज़ होने की वजह से जब हम इधर से देखेंगे अपनी आई से तो हमें इमेज जो है आई पी का जब हम देखेंगे आई पी के जरिए तो हमें इमेज इतना बड़ा नजर आएगा बड़ा नज़र आने से क्या होगा कि हम उस छोटे इमेज को छोटे ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से मैग्नीफाई कर सकते हैं कि इसका जो इमेज है वो कितना बड़ा बन रहा है तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं हमें जो छोटा इमेज भी है उसका भी विचुअल इमेज मतलब कि जो उसका असल इमेज नहीं है लेकिन बड़ा इमेज हमें नज़र आ रहा है वो हमें काफ़ी क्लियरफाई क्लियर हो के नजर आता है तो इसलिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ भी करते हैं इसके जूझिश के हम इसको यूज़ करते हैं अपने स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए और उसके अलावा जो है हम लोग इसको साइंस में जैसे बायोलॉजी में जियोलॉजी में और जेनेटिक्स में हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपना रिजल्ट ज़्यादा क्लियरफाई करने के लिए क्लेफाई ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं नाउ टेलीस्कोप टेलीस्कोप क्या होता है टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टिट ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंजेज और मिरर्स लेंजेज और मिरर्स को यूज करके जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप के जरिए हम लोग दूर जो बहुत हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग उनको देखने के लिए हम लोग अर्थ पे क्या करते हैं टेलीस्कोप यूज़ करते हैं ठीक है और जो उसका लेंस यूज करके हम लोग जब उस पर फोकस करते हैं स्पेस में तो हमें वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है और वहाँ का क्या मटेरियल है ठीक है उसको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप क्या होता है टेलीस्कोप डेट यूज इस टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप जो टू कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करती है अपना इमेज देखने के लिए वो कौन सी टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टेलीस्कोप बेसिकली जो है वो हमारे छोटे दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो जब हम डबल कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करेंगे तो वो हमारी कौन सी टेलीस्कोप होगी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप जैसे हम लोगों ने बात की मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसी तरह हमारे तो पास टेलीस्कोप की भी मैग्नीफिकेशन है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट की जो लेंस है जब पास करता है हमारा फोकल लेंथ आई पी एस हमने देखना होता है तो जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो हमें जब हमने यहाँ से लाइट पास की तो हमें ऑब्जेक्ट के लेंस की वजह से क्या होता है कि हमें साइज बहुत बड़ा नजर आता है ठीक है अब हम आई पी से हम देख रहे हैं जहां से आई से तो हमें ऑब्जेक्ट का जो साइज है अगर वो बरीक है तो हमें वो क्या होता है कि बहुत अच्छा क्लियरिफाइड दूर ऑब्जेक्ट है काफी तो हमें वो अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो हमें वो बिल्कुल करीब यहां पे शो हो जाएगा ठीक है क्या होता है कि हमने दूर के ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप के जरिए इस्तेमाल किया तो उसके हमें मैग्नीफिकेशन जो है वो क्लियर क्लियर हो गया हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आती है अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है द इन ऑफ आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली जो अब हम आजकल हम लोग आई ग्लासेस यूज़ करते हैं जब जिनकी जो नज़र कमज़ोर हो जाती है तो वो आई ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो होता क्या है कि जब आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आते तो आपकी जो आईज है, हैं व इनएबिलिटी हो जाती है उनको देखने में ऑब्जेक्ट्स को तो इसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स कि उसमें उसकी आई में कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ गया ठीक है।, है तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर उसके पास जाते हैं और जब वो हमें कोई आई साइड की वजह से हमें जब ग्लासेस देखते हैं तो हम जब उनको यूज़ करते हैं चाहे वो नज़दीक की नज़र हो चाहे वो दूर की हमारी नज़र कमज़ोर हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ग्लासेस को यूज़ करते हैं द डिफेक्ट ऑफ इमेज राइज वैन द आई लेंस इज़ अन एबल टू एकोमोडेट इफेक्टिवली जब हमारा जो आर्म का लेंस है जब वो एकोमोडेट नहीं कर सकता सही तरीके से देख नहीं सकता चीज़ों को तो तब हमारा क्या होता है डिफेक्ट आता है हमारी इमेज में देखने में द इमेज फॉर्म आर देयर फॉर ब्लर्ड इसीलिए हमें जो चीज़ें हैं वो ब्लर्ड नज़र आती हैं जिसकी सन ग्लास जिसको आई ग्लासेस लगी हों तो अगर वो बगैर आई ग्लासेस के देखे चीज़ों को तो उसको क्या होगा चीज़ें जो है वो ब्लर्ड नज़र आएंगी आएंगी अब हमारे पास दो डेफिनेशन है नीयर साइडनेस एंड फार साइडनेस नीयर साइडनेस क्या होता है कि जो लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं दे सकते ठीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी शॉर्ट साइडनेस है उसको जो है वो न दूर की चीज़ों ना नज़र आने की वजह से उसकी क्या है कि नीयर साइडनेस ख़राब है हम उसको नीयर साइडनेस की जो है लेंस देंगे और फार्ट साइडनेस क्या होता है कि द डिबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नियर बाई ऑबजेक्ट्स ऑन इसटीना फार्ट साइडनेस में क्या होता है कि जो आपको करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको नज़र नहीं आते ठीक है ये नॉर्मली क्या होता है कि जब एज 50, 60 प्लस होती है तब तब नॉर्मल आपकी जो आइज़ हैं उसका उस पर इफ़ेक्ट्स होता है ठीक है और आपको जो करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नजर नहीं आते तो इनकी डिसबिलिटी को हम क्या कहते हैं फार साइडनेस तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हमारी समरी के आज के वीडियो लेक्चर्स की सबसे पहले हम लेंस को डिस्कस किया लेंस क्या होता है कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी दो सर्विसज होती हैं जिसमें से एक कर्व होती है पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसी प्रोकल है कि इसका फोकल लेंस का सिंपल माइक्रोस्कोप ने हम लोगों ने देखा कि मैग्नीफाइंग ग्लास है और जो मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं कंपाउंड में हम लोगों ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को टेलीस्कोप में हमने डिस्कस किया कि टेलीस्कोप जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाने के लिए हमें काम आता है हम लोग इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उसके बाद हमने नीयर साइडनेस और फार साइडनेस को देखा कि जो डिसबिलिटी है आई की दूर ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको हम लोग नियर साइडनेस कहते हैं उनको सही करने को और जब हम लोग करीब की आई इफेक्ट्स को जब हम सही करते हैं तो उसका हम लोग क्या कहते हैं फार साइडनेस डिसबिलिटी जब हमारी होती है दूर के करीब उब्यक्ट के ऑब्जेक्ट्स की तो उसका हम लोग क्या कहते हैं फार साइडनेस डैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गई होगी नौ जो नेक्स्ट टास्क आप लोगों ने लर्न करना है लेंजेज उसकी टाइप्स और टर्मोलोलॉजीज़ और उसके बाद आप लोगों ने आपने देखना है कि आप जो लेंस है वो कन्वैक्स और कनकेव लेंस में कैसे बन रहा है ठीक है आपने लर्न करना है एप्लीकेशन ऑफ लेंजिस को डिफरेंश करना है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और एंड पे आप लोगों ने देखना है कि डिफरेंशेट बिट्वीन नीयर साइडनेस एंड फार साइडनेस थैंक्स फॉर वॉचिंग